हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुमला जिला। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। गुमला जिला से परिचित होने के लिए सबसे पहले हम इसके मानचित्र से ही परिचित होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह मानचित्र गुमला जिला का मानचित्र है जिसमें आपको कई प्रखंड दिख रहे होंगे और इनकी कुल संख्या 12 है। आइए एक एक करके इनके नाम देख लेते हैं। पहला है कमडारा, बसिया, भरनो, सिसई, घाघरा। गुमला भी एक प्रखंड है जो कि गुमला जिला के अंतर्गत आता है। पालकोट, जहाँ आपको पालकोट का राजमहल मिलेगा। रायडी, विशुनपुर, डुमरी, चैनपुर जो कि जहाँ से संख नदी निकलती है, और अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का शहीद अल्बर्ट एक्का हैं और ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे और ये झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हीं को सम्मानित करते हुए इनके जो जहाँ इन्होंने जन्म लिया था उस जगह को इनके नाम पर रख दिया गया है और वो हो गया अल्बर्ट एक्का प्रखंड। हमने गुमला जिले के 12 प्रखंडों के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं, यह देखते हैं कि झारखंड में गुमला की स्थिति कहाँ है और कैसी। आपको झारखंड का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको देखना है कि गुमला जिला कहाँ है। ये रहा गुमला जिला। गुमला जिला को आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि गुमला जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। जो भी ग्रीन कलर में आपको ये 5 जिले दिखाई दे रहे हैं, ये है छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, जो कि 6 जिले हैं, और ये है संथाल परगना। येलो कलर में जो आपको 3 जिले दिख रहे हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये है पलामू प्रमंडल। और जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये है कोल्हान प्रमंडल। अभी हम बात करेंगे गुमला पर, और गुमला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। गुमला की स्थिति को आप मानचित्र में और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुमला एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है, और वह राज्य है छत्तीसगढ़। इसके अलावा यह झारखंड के अन्य जिलों जैसे कि लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, और इसे आप मानचित्र में ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके अलावा और बात करें गुमला से संबंधित, तो वो है कि झारखंड से 6 जिले ऐसे हैं झारखंड के जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, और गुमला भी उन 6 जिलों में से एक है। आप अगर कर्क रेखा की स्थिति को देखें तो लातेहार से प्रवेश करते हुए गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। आप स्थिति देखेंगे तो गुमला के थोड़े से पार्ट को कर्क रेखा छू कर गुजरती है, वो है लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। गिन लीजिए, कुल 6 जिले होते हैं। इस तरह से हमने मानचित्र की सहायता से गुमला की स्थिति को जानने का प्रयास किया। अब हम उन बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो कि सीधे हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए अब बात उन्हीं प्रश्नों पर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गुमला जिला का गठन कब हुआ था। आंसर है 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिला का गठन हुआ था और यह रांची से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है गुमला। क्वेश्चन नंबर 3, गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है। आंसर है 5,360 वर्ग किलोमीटर, गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम के बाद दूसरा बड़ा जिला कौन सा है। आंसर है गुमला। यानी कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है और उसके बाद का स्थान गुमला का है। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। आंसर है 10,25,213। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। आंसर है 191, जो कि आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा न्यूनतम स्थिति में आएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 इसी पर बेस्ड है कि झारखंड के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में गुमला का स्थान कितना है। आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान सिमडेगा का है, दूसरा लातेहार और तीसरा स्थान है गुमला का। सिमडेगा 159 है, लातेहार 169 है और तीसरे स्थान पर गुमला 191 जनसंख्या घनत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुमला जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। आंसर है 23.16%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 सालों के अंतराल में जो वृद्धि होती है जनसंख्या में उसे कहते हैं। जैसे 2001 में जनगणना हुई, फिर 2011 में हुई। 2001 और 2011 के मध्य 10 वर्षों का समय था और इसी बीच जनसंख्या जिस वृद्धि दर से बढ़ेगी उसे कहेंगे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिले में लिंगानुपात कितना है। आंसर है 993, जो कि अच्छा लिंगानुपात की स्थिति है। इसका मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों में 993 महिलाएं हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झारखंड में लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला किस स्थान पर है। आंसर है चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे पश्चिमी सिंहभूम आता है, जो कि 1004 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं, सॉरी चार नहीं पाँच, 1005 महिलाएं हैं। सिमडेगा और खूंटी 997 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 997 महिलाएं हैं। इसे कहते हैं लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 11, गुमला जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है। आंसर है 963। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुमला जिले में साक्षरता दर कितनी है। आंसर है 75.55% गुमला जिले में साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड के न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में गुमला का स्थान कौन सा है। आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान लोहरदगा का है, फिर खूंटी का, फिर पाकुड़ का और चौथा स्थान आता है गुमला का। क्वेश्चन नंबर 14, गुमला जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है। आंसर है 3 अनुमंडल है, एक है गुमला, दूसरा चैनपुर और तीसरा बसिया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुमला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपने अभी मैप में देखा था कि छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा लग रही थी, यानी कि गुमला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुमला जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं। हमने अभी मैप में देखा था कुल 12 प्रखंड हैं, गुमला, सिसई, बिशनपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडी, कमडारा, भरनो, पालकोट और अल्बर्ट एक्का प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों में से गुमला का स्थान कौन सा है। आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान रांची का आता है, फिर पश्चिमी सिंहभूम, इसके बाद आता है तीसरे स्थान पर गुमला, चौथे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम और पाँचवें स्थान पर दुमका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में गुमला का स्थान कौन सा है। आंसर है चौथा स्थान है। पहला स्थान गुड्डा का है, फिर गढ़वा का, फिर चतरा का। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का मतलब है कि वहाँ के नगर में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, अधिकतर जनसंख्या जो है ग्रामीण है। इसमें गुड्डा जो है उसकी जो परसेंटेज है वो 4.91% है, गढ़वा 5.72% है और चतरा जो है 6.04% है। और जिस जिले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि गुमला जिला है, चौथे स्थान पर आता है और इसकी जो नगरीय जनसंख्या है वो है 6.35%। आगे बढ़ते हैं, गुमला जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। आंसर है 3 विधानसभा क्षेत्र आपको गुमला जिले के अंतर्गत मिलेंगे। आपको मालूम होगा कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 गुमला जिले के अंतर्गत है, जिसका नाम है गुमला, सिसई और बिशनपुर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। आंसर है अमर शहीद अल्बर्ट एक्का को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, अमर शहीद अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए थे। आंसर है 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमर शहीद अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुमला जिले से होकर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आंसर है NH 23,
NH-78 और NH-143A गुमला जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुमला जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। आंसर है दक्षिणी कोयल और संख नदी। संख नदी चैनपुर प्रखंड से निकलती है। यही क्वेश्चन है 24। संख नदी का उद्गम स्थान बताइए। आंसर है चैनपुर गुमला। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड के किस जिले में कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आंसर है गुमला। पूरे झारखंड में कुएं से सबसे अधिक सिंचाई झारखंड में गुमला में होता है। क्वेश्चन नंबर 26। गुमला जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। आंसर है बॉक्साइट, चूना पत्थर, सीसा, क्वार्ज, काइनाइट और लोहा। ये प्रमुख खनिज हैं जो कि गुमला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। गुमला जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। आंसर है आपको वहाँ घाघरा जलप्रपात मिल जाएगा, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाग जलप्रपात, सधानी जलप्रपात, पालकोट अभयारण्य, नौरत्नगढ़ का किला जिसे हम लोग दोईशा का किला भी कहते हैं, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने इसे 1585 ईस्वी में बनवाया था। इसके अलावा आपको पालकोट का राजमहल भी मिल जाएगा जो कि नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने बनवाया था। नागफेनी का राजमहल भी है जिसे किसने बनवाया था या आज तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो राजा बनवा रहे थे वो इसके बनने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया होगा। नागफेनी के राजमहल के बारे में कहा जाता है कि उनके वहाँ एक दीवार है जिस पर एक राजा है, उनकी 7 रानियाँ हैं और एक कुत्ते का चित्र है। इसके अलावा इस राजमहल के बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुमला जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। आंसर है वासुदेव राय मंदिर है, महामाया मंदिर है, और महामाया मंदिर को गजघंट राय ने बनवाया था 908 ईस्वी में। इसका सबसे पहले जो पुरोहित थे वे थे द्विज हरिनाथ, याद रखेंगे एक मराठा ब्राह्मण थे। अगला है हापामुनि मंदिर आपको मिल जाएगा, अंजन धाम मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, अंजनी उनकी माता का नाम है इसलिए इस धाम का नाम अंजन धाम है। आपको रामरेखा धाम मंदिर गुमला में मिल जाएगा, लेकिन याद रखना है कि रामरेखा धाम जो मेला है वो सिमडेगा में लगता है, यानी कि रामरेखा धाम मेला आपको सिमडेगा में मिलेगा, रामरेखा धाम मंदिर गुमला में मिलेगा। कपिलनाथ मंदिर गुमला में है, चिंतामणि मंदिर, सती मठ, नागफनी जगन्नाथ मंदिर भी गुमला में है, एक जगन्नाथ मंदिर है जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची शहर में है और यहाँ रथ यात्रा लगता है। लेकिन ये जो मंदिर है नागफनी है, यानी नाग के फन के आकार का मंदिर है इसलिए इसका नाम है नागफनी जगन्नाथ मंदिर और ये आपको गुमला में मिलेगा। इसके अलावा टांगीनाथ मंदिर है जिसे माना जाता है कि पाशुपत संप्रदाय के थे भगवान परशुराम, और उन्हीं का जो फरसा था यहाँ गड़ा हुआ है और इसीलिए इसे टांगीनाथ मंदिर कहा जाता है। फरसा को टांगी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा गुमला के किस गांव से मिली है। आंसर है कटुंगा गांव से। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है गुमला जिला किस प्रमंडल का भाग है। तो हमने मानचित्र में अभी देखा था कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं जिसमें से एक गुमला भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहते हैं। आंसर है कोरांबे को। और आपको मालूम होगा कि हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है जो आपके लिए है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। इसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अभी आपने मानचित्र में इसकी स्थिति को देखा था, अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो निश्चित ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।